ऋषिकेश, सबसे बड़ी बात है, क्या आपको लगता है विपक्ष, क्योंकि राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि अभी तक फोन कॉल नहीं आया है, नामांकन 12 बजे तक होना है, क्या लगता है आपको विपक्ष का बी प्लान, एक रणनीति जो है, क्या अगर डिप्टी स्पीकर पर नहीं सहमति होगी तो स्पीकर के लिए क्या विपक्ष कहीं ना कहीं अब एक उम्मीदवार खड़े कर देगा? देखिए, अब से थोड़ी देर के बाद इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक होने वाली है। हालांकि उसकी टाइमिंग अभी तय नहीं है, वो देर शाम तक वो बैठक होगी। वेट एंड वॉच में कांग्रेस पार्टी लगातार इसको लेकर रही थी, लेकिन ये बात जरूर तय है, राहुल गांधी के बयानों को सुनकर लग रहा है कि जो 11:30 बजे नॉमिनेशन फाइल करेंगे ओम बिरला लोकसभा सेक्रेटरी जनरल के पास, उसमें विपक्ष का कोई नेता शायद ही हो, इस बात की संभावना कम दिख रही है। अगर आम सहमति होती तो जो सहयोगी हमारे कह रहे हैं तो उसमें विपक्ष के नेता भी मौजूद रहते, लेकिन अब इस बात की संभावना अब तक फिलहाल कम दिख रही है कि उनके नॉमिनेशन में कोई विपक्ष का नेता भी मौजूद रहेगा। यानी सर्वसम्मति का जो फैसला था वो फिलहाल अभी उस तरीके से पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन बावजूद इसके राजनाथ सिंह और किरण रिजिजू जो लगातार बात कर रहे हैं विपक्ष के नेताओं से, इस बात को लेकर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर का पद वो विपक्ष के पास जा सकता है, लेकिन इतनी आसानी से ये बातें शायद अभी मानने को तैयार सत्ता पक्ष नहीं होगा। लिहाजा इस नॉमिनेशन के बाद उसके थोड़ी देर बाद, यानी 2 या 3 घंटे या देर शाम, अभी समय नहीं आया है, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं की एक बड़ी बैठक दिल्ली में होगी और उसमें फिर आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी, जिसमें डिप्टी स्पीकर को लेकर होगा, स्पीकर के समर्थन को लेकर होगा। लेकिन फिलहाल अभी ओम बिरला के नामांकन में कोई भी विपक्ष का नेता संभवतः शामिल नहीं होगा, इस बात का संकेत है। बिल्कुल, इस बात का संकेत है। कुमार गौरव, अभी तक तो ऐसा लग रहा था पिक्चर क्लियर है, विपक्ष का समर्थन है, कल रात भी बैठक हुई थी, बातचीत हो गई थी, लेकिन अब राहुल गांधी ने सीधे तौर पर जो बयान दिया तो अब तो सस्पेंस फिर से बन चुका है। कुमार गौरव, देखिए, बिल्कुल सत्ता पक्ष की तरफ से जो जानकारी सोर्सेज के हवाले से आई है कि ओम बिरला फाइनल है स्पीकर पद के लिए, वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे 11:30 के आसपास। अब कुछ थोड़ा ही वक्त बचा हुआ है, सेक्रेटरी जनरल के कार्यालय में जाकर वो फाइल करेंगे। सत्ता पक्ष की तरफ से ये भी बताया गया है कि विपक्ष से बातचीत हो गई है, विपक्ष अपना स्पीकर पद का उम्मीदवार नहीं उतारेगा, यानी कंसेंसस के साथ चुनाव होगा, वोटिंग की नौबत नहीं आएगी। दूसरी बात, जाहिर तौर पर बिल्कुल राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें कॉल वापस नहीं आया है। हालाँकि मैं बताऊँ कि राजनाथ सिंह और तमाम जो नेताओं ने विपक्ष के साथ बातचीत की है उसमें ये जरूर बात की गई है कि जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो विपक्ष को देंगे, जिस तरह से 2004 और 2009 में दिया गया था। 2004 में एनडीए गठबंधन के पास, एनडीए के पास डिप्टी स्पीकर का पद आया था, हालांकि अकाली दल के नेता अटवाल को बीजेपी ने उस वक्त डिप्टी स्पीकर बनाया था। 2009 में बीजेपी ने करिया मुंडा को डिप्टी स्पीकर बनाया था, अपने पास वो पद रखा था, विपक्ष के तौर पर उसे मिला था। इसी तरह से डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो विपक्ष को दिया जाएगा, ऐसा सरकार के सूत्र बता रहे हैं। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है, उन्हें ये पद ऑफर किया जाएगा। कांग्रेस खुद के नेता को डिप्टी स्पीकर बनाती है या अपने सहयोगियों में से किसी को डिप्टी स्पीकर बनाती है, ये उन्हें तय करना है। लेकिन सरकार की तरफ से एक जो खबरें निकल कर आई है वो साफ है कि स्पीकर पर विपक्ष सहमत है, एकमत है कि वो अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगा, साथ जाए नॉमिनेशन में न जाए, क्योंकि एनडीए के तमाम सहयोगी नॉमिनेशन के दौरान मौजूद रहेंगे ओम बिरला के साथ। विपक्ष जाए या न जाए ये एक अलग बात है, लेकिन विपक्ष अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगा, ये बात सरकार सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। और दूसरी बात, हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास अभी तक फोन कॉल बैक नहीं आया है कि क्या होगा, सरकार का ये कहना है कि डिप्टी स्पीकर के पद का चुनाव आज नहीं हो रहा है लेकिन ये पद विपक्ष को जाएगा ये तय है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि देर से ही सही या अभी राहुल गांधी के बयान के बाद ही सही, जैसा कि संजीव भी बता रहे थे, सरकार की तरफ से उन्हें आश्वस्त कर दिया जाए, चूंकि सरकार इस मुद्दे पर अभी तक इसलिए चुप थी, इसलिए बात नहीं की होगी जैसा कि अंदेशा है कि चूंकि डिप्टी स्पीकर के चुनाव के पद का चुनाव आज नहीं होना है इसलिए इस पर बाद में बात हो सकती है, पहले स्पीकर के पद पे चुनाव हो जाए, सर्वसम्मति से हो जाए, उसका इंतजार रहेगा। लेकिन सर, सत्ता पक्ष दो बातों को लेकर बिल्कुल क्लियर है कि स्पीकर के का जो पद है ओम बिरला ही अकेले उम्मीदवार होंगे, कोई विपक्ष का उम्मीदवार उसमें नहीं उतरने जा रहा है, और डिप्टी स्पीकर का पद किसी भी स्थिति में विपक्ष को ही जाएगा। अब वो विपक्ष कांग्रेस पार्टी अपने जिस सहयोगी को देना चाहे या खुद अपने पास रखना चाहे वो उसका फैसला। बिल्कुल कुमार गौरव, जैसा कि आप बता रहे हैं सत्ता पक्ष की तरफ से बिल्कुल क्लियर है, लेकिन क्या है कि राहुल गांधी ने तो कहा ना कि एक कॉल,